सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS News TV और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बीच सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप। फ्रेंड बेस आचार संहिता लागू होने के पूर्व परीक्षा की तिथि घोषित करें। नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए शिंदे का कदम, SC ST आयोग। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बीच सीट बंटवारे को जल्द अंतिम रूप। फ्रेंड बेस महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ महायुति के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी चुनाव व्यवस्था पर पूर्व पर अपनी टिप्पणी में कहा कि लगभग 70-80% विधानसभा क्षेत्रों में सीट बंटवारे पर सत्तारूढ़ गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया। महायुति का समझौता मुख्य प्रतिद्वंदी विपक्षी महाविकास अघाड़ी से काफी पहले हो जाएगा। महायुति सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे और इसकी औपचारिक घोषणा के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने पुणे में संवाददाताओं से कहा, सीट बंटवारे के फॉर्मूले को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी कि कितना जटिल मुद्दा होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आचार संहिता लागू होने के पूर्व परीक्षा की तिथि घोषित करें। राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने मांग की है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के मार्फत ली जाने वाली परीक्षाएं अनेक महीनों से अटकी हुई है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पूर्व राज्य सेवा पूर्व परीक्षा, संयुक्त पूर्व परीक्षा, वर्ग ब और का परीक्षा की तिथियां घोषित की जाए। इसके साथ साथ लिपिक, टंक लेखक 7000 पदों पर तथा अन्य परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। आई बढ़ती अगली खबर की और नेताओं की नाराजगी दूर करने के लिए शिंदे का कदम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और राज्य सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गुट के असंतुष्ट नेताओं को महामंडलों और आयोगों में नियुक्त करके उनकी नाराजगी एकनाथ शिंदे कम करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नेताओं की नाराजगी से बचने के लिए शिंदे ने यह कदम उठाया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्ते, मैं हूँ वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS News। देखते रहिए MNS। ये है MNS News नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS News।